I present the budget for the year 2022-23. 1 फरवरी 2022 का दिन बजट का दिन था। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2022-23 का बजट पेश किया। लेकिन आखिर ये बजट होता क्या है, कैसे शुरू हुआ, बजट को बजट ही क्यों कहते हैं, इन शब्दों के क्या मायने हैं? इन सब के जवाब पूछने पर बड़े बड़े जानकार भारी भरकम फिगर्स, डेटा और मुश्किल टर्म्स सीधा हमारे मुंह पर ऐसे फेंकते मार देते हैं जैसे बचपन में मम्मी चप्पल मारती थी। और फिर हमारे बजट को लेकर जो थोड़ी बहुत भी उत्सुकता होती है वो भी मर जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आपको आसान भाषा में सब कुछ बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत सरकार का पहला बजट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली ने पेश किया था। अब सोचने वाली बात ये है कि जब देश का बजट वित्त मंत्री पेश करता है तो फिर भारत सरकार का पहला बजट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्यों पेश किया, आपकी क्यूरियोसिटी भी मिटेगी। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बजट क्या वाला है और इसे बजट नाम कहां से मिला। असल में बजट शब्द के मूल में है फ्रांस का एक शब्द बुगेट, और बुगेट का मतलब होता है एक छोटा चमड़े का बैग, बटुआ या थैली, और कई बार इसके अंदर के सामान के लिए भी बुगेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अतीत में कहा जाता था कि ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेक्वर यानी वित्त मंत्री ने अपना बजट खोला, मतलब उन्होंने अपना बैग खोला जिसमें से वित्तीय योजनाओं से संबंधित दस्तावेज निकाले। धीरे धीरे बजट को वित्तीय योजनाओं के दस्तावेज के संदर्भ में ही प्रयोग में लाया जाने लगा और उसमें से खोलना या निकलना छूटता गया। भारत की बात करें तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। संविधान के आर्टिकल 112 में इसके बजाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल जैसे लोकसभा चुनावों को हम आम भाषा में आम चुनाव कह देते हैं, वैसे ही देश के बजट को हम आम बजट कह देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि बजट शब्द के साथ औपचारिक अनौपचारिक वाली रेखा पूरी तरह मिट चुकी है। हालांकि 2022-23 में बजट शब्द से डू अवे करते हुए निर्मला सीतारमण ने इसे देश का बही खाता कहा था। साथ ही उन्होंने इसे किसी बुगेट यानी बैग में नहीं रखा था, बल्कि इसे लाल रंग के एक कपड़े में डोरी से बांधा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पहली बार था जब बजट से जुड़ी कोई परंपरा तोड़ी गई थी, तो आपको भारतीय बजट के पूरे इतिहास को जरूर जानना चाहिए, जिसमें नई परंपराएं जोड़ने और पुरानी परंपराओं को तोड़ने और कई बार दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की लंबी परंपरा रही है। साल था 1860। ढेर शुरुआती क्रांति और विद्रोह का दमन करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत पतली हो चली थी। ऐसे में जरूरत थी खर्च और आमदनी का हिसाब किताब रखने की। ऐसे में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन इस काम के लिए सबसे मुफीद अंग्रेज माने गए। बजट के अलावा टैक्स को लेकर कानून बनाने और भारत में कागज की मुद्रा की शुरुआत करवाने के लिए उन्हें 1859 में क्वीन विक्टोरिया ने भारत भेज दिया। इससे पहले टोपी बनाने और बेचने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जेम्स धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। वो ब्रिटेन के संसद सदस्य और वहां के वित्त सचिव भी रह चुके थे। इंडिया आने के बाद 1860 तक वो उस समय के वॉइस रॉय की वित्त परिषद के सदस्य रहे। बहरहाल 1860 में भारत का पहला आम बजट पेश किया गया और ये बजट पेश हुआ था 7 अप्रैल 1860 को शाम 5 बजे। इसे अविभाजित भारत का पहला आम बजट और जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का पितामह माना गया। 1860 का पहला बजट ब्रिटिश मॉडल पर बेस्ड था और इसमें ज्यादातर प्रावधान और समीक्षाएं सैनिकों और सैन्य बल को लेकर थे। इसमें वित्त मंत्री के जॉब प्रोफाइल की भी रूपरेखा तय हुई थी। बता दें कि जेम्स विल्सन ही वो व्यक्ति थे जो भारत में पहली बार इनकम टैक्स कानून भी लेकर आए थे, जिसका छुटपुट विरोध भी हुआ था। हालांकि आज 150 सालों के बाद भी चल रहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर के संस्थापक जेम्स विल्सन इस बजट को पेश करने के बाद ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे। 11 अगस्त 1860 को भारत में ही उनकी मौत हो गई। उनकी कब्र आज भी कोलकाता के प्रसिद्ध चौरंगी लेन के पास है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत का पहला बजट क्यों पेश किया, चलिए बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसको लेकर आप अब तक सबसे ज्यादा परेशान थे। हर साल देश के वित्त मंत्री आने वाले साल के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया। निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद पहली ऐसी महिला हैं जो भारत का बजट पेश कर रही हैं। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था, क्योंकि उस वक्त वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी उनके पास ही था। दोस्तों, बजट को लेकर कई अनसुने और दिलचस्प तथ्य हैं, जिनमें से एक ये भी है कि भारत का पहला बजट एक ऐसे शख्स ने पेश किया था जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से थे। जी हाँ, भारत का पहला बजट लियाकत अली खान ने पेश किया था, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने। ये बजट उस वक्त पेश किया गया था जब भारत आजाद होने वाला था और भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था।
उस वक्त आजादी से पहले एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी जिसमें वित्त विभाग का कार्यभार मुस्लिम लीग के लियाकत अली के पास था। वो जिन्ना के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग ने उन्हें अपने नुमाइंदे के रूप में भेजा। उन्हें पंडित नेहरू ने वित्त मंत्रालय सौंपा था। इस दौरान साल 1964 में उन्होंने भारत का अंतरिम बजट पेश किया था। इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और दोनों देश स्वतंत्र हो गए और फिर लियाकत अली को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया? अब जब भारत का पहला बजट पाकिस्तान के पीएम ने पेश किया था तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आया होगा कि यार आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। बताते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के बाद साल 1947 में एक और बजट पेश किया गया। इस बजट को कई लोग अंतरिम बजट मानते हैं तो कई लोग पूर्णकालिक बजट मानते हैं। ये बजट षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था जो कि आजाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और यही आजाद भारत का पहला बजट था। अब अगर मॉडर्न बजट की बात करें तो मेनली इसमें दो हिस्से होते हैं, पहला कमाई और दूसरा खर्चा। आम बजट में सरकार के प्रमुख खर्चों में नागरिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर खर्च, यानी कि वो ही पुराना सवाल कि आम नागरिकों के लिए सरकार क्या लाई। इसके अलावा आयात पर खर्च, डिफेंस पर खर्च और वेतन और कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज शामिल होता है। वहीं सरकार को होने वाली कमाई के हिस्से में टैक्स, सार्वजनिक कंपनियों की कमाई और बॉन्ड जारी करने से होने वाली कमाई शामिल की जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज बजट से जुड़े आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बजट को लेकर अगर आपके पास और भी कई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम आपके सवालों का आसान भाषा में जवाब दे सके। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।